इतनी आराम से ये टूट जाती हैं। Hello everyone, welcome to my channel My Yummy Creations. Hope you're well today. My name is Ikra. I bring the recipe for you today. Very crumbly and crunchy, best butter cookies, best Danish cookies ever. I'm giving you the golden recipe today. Do try it and let me know how you like the recipe. Let's get started. For perfect results, follow each steps. आपको सारे इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पर निकाल के रख देने ताकि मिक्सिंग में आसानी हो। तो शुरू करते हैं। मेक श्योर सारे इंग्रेडिएंट्स अगर आप ग्राम्स पे लें तो ज़्यादा बेहतर है परफेक्ट रिजल्ट के लिए। और जिस टेम्परेचर पे बेक करना है उसी पे प्री हीट पे सेट करना है ओवन को। और यहाँ पर मैं मेरा बटर ले रही हूँ जो 230 ग्राम्स जाएगा इसमें। और बेस्ट डैनिश कुकीज़ की जो की है बेस्ट होने की वो यही है कि आपको इसको बीट बहुत 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 अच्छा करना है। साथ ही मैं डाल दूंगी 130 ग्राम शुगर। अब ये दोनों शुगर और जो बटर है इतना बीट होगा कि ये जो येलो कलर है इसका ये ऑफ वाइट कलर में चेंज हो जाएगा। अब डालते हैं शुगर भी यहाँ पे। शुगर जो है मैं बताना भूल गई, वो थोड़ी बारीक चीनी होनी चाहिए। अगर मोटी चीनी है तो आपके जो कुकीज़ हैं बहुत ज़्यादा फैले हुए बनेंगे और पाउडर शुगर से वो रिजल्ट नहीं आएगा जो चाहते जो आना चाहिए। अब मैं इसको ऑन करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कलर था वो येलो से ऑफ वाइट में चेंज हो चुका है। और यहाँ पर मैं डालूंगी 2 एग योक्स। जी हाँ, यहाँ पे एग वाइट यूज नहीं होगी, एग योक्स यूज होंगी। 2 एग योक्स मैं ले रही हूँ और फिर से इसको बीट करेंगे। वेनिला एसेंस जाएगा 1 टीस्पून एंड सॉल्ट 1/4 टीस्पून। और अब जो काम होगा वो स्पैचुला से मिक्स करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स का। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना ऑफ वाइट है। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं, मैदा 280 ग्राम्स, 20 ग्राम्स कॉर्नफ्लोर। अच्छे से सिफ्ट करेंगे। Fold it with hand spatula. गारंटी है कि कोई गेस नहीं कर पाएगा ये आपने घर में बनाए हैं इतने अच्छे डैनिश कुकीज। बॉक्स जैसे हम लेकर आते हैं डैनिश बॉक्स, ये वो टेक्सचर आएगा। मैं एक दफ़ा फिर बताती हूँ, इसके लिए बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको सारे इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पर लेने हैं। और साथ में जो भी आप इंग्रेडिएंट्स मेजर कर रहे हैं वो ग्राम्स में लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और वेनिला एसेंस आपके पास अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं बेस्ट डैनिश कुकीज़ के लिए। ये टेक्सचर डन है, अब इसको फिल करेंगे पाइपिंग बैग में। अब इसको फिल करते हैं पाइपिंग बैग में। मैं लूंगी बेकिंग ट्रे जिसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया है और इसके ऊपर हम आएंगे। डैनिश कुकीज का बॉक्स लेकर आते हैं तो उसके ऊपर डिफरेंट तरह के जो ये डिजाइन बने होते हैं, पहियों में किसी में जैम लगा होता है, तो आप इसके ऊपर भी चॉकलेट चिप्स लगा सकते हैं, किसी नट्स का पाउडर डाल दें। अब
अब हम इसको बेक करेंगे 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट्स के लिए। आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं इसको रखती हूँ। तो ये आ चुके हैं गरम गरम ओवन से बाहर। जैसे ही ओवन से ये बिस्किट्स बाहर आते हैं तो ये थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इसको हम थोड़ा सा हैंडल अभी नहीं करेंगे, और जैसे ही थोड़ा सेट होंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे क्रम्बली और क्रिस्पी होते जाएंगे। अब ये बहुत सॉफ्ट है। स्टार्ट होता है प्लेटिंग टाइम। मैं आपको बता नहीं सकती इस टाइम मेरा किचन कितना महक रहा है इस खुशबू से। जैम के साथ टॉप तो बहुत ही प्रीटी लग रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुकीज का रिजल्ट, कितनी क्रम्बली और क्रंची है ये। आराम से ये टूट जाती हैं। क्रंची तो है ही, क्रिस्पी तो है ही, लेकिन साथ साथ सॉफ्ट बहुत ही मजे की। कितने आराम से इसका ये भुरभुरी हो रही है। So my dear ones, hope you like the recipe. If you like it, share my video and subscribe my channel. I will meet you in next video very soon. Till then, take care. Bye-bye.